झांसी किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार, उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। When the retreat will be sounded, the command will be given, and slowly, with respect and reverence, the national flag will be lowered and kept for safekeeping when the Prime Minister reaches the base. सत्तावन में देश की आजादी की पहली लड़ाई झांसी की धरती से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गई और आज माननीय प्रधानमंत्री ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर से राष्ट्र के तरफ से उन्हें नमन करेंगे। Earlier in the latter part of the afternoon we had slight showers over here in Jhansi and the whole place pristine and washed. ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय पट्टिका के अनावरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा और सहेजा जा रहा है। The Prime Minister moving towards where he will unveil a sculpture of Rani Lakshmibai and will be presented with a sword as a symbol of the honor and valor that women have exhibited. This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एनसीसी की बालिकाओं की 33 बालिकाओं की एक जो टुकड़ी है उसकी एक सदस्या से
त्याग बलिदान शौर्य और साहस के प्रतीक तलवार ग्रहण कर रहे हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का परिचायक एनसीसी में बालिकाओं की उपस्थिति, 33 अलग अलग जिलों से ये बालिकाएं कैडेट यहां पर पहुंची हैं। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल दीज यंग गर्ल्स एंड ऑल्सो फॉर द प्राइम मिनिस्टर। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राष्ट्र का नमन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को। द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर विटनेसिंग द रिट्रीट सेरेमनी ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ द फोर्ट नाउ मेक्स हिज वे टुवर्ड्स द मेन वेन्यू where the event will further take place. It's a cloudy day here, as we shared earlier with you, so we can't see the coppery hues of a setting sun, but man-made light beautifully positioned, artistically done, lighting up the fort in all its glory.